अगर आप इस तरह सारा ये रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हिरमान प्यारे बहन भाइयों उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बसानी आपको समझाई जा सके चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी हमारी लाइव वीडियो अपलोड होगी वो आपको मिलती रहेगी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लाइव जो अमल समझाया जा रहा है वो आपको समझ आ जाए इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मदरसा फातमा तो सहरा बनात से मदद हासिल कर सकते हैं आज का अमल एक प्यारे भाई के लिए ये अमल है तो आपके लिए भी इसी को लाइव किया गया है बहुत परेशान है वो मोहब्बत का ये अमल है महबूब को ताबे जो आपका प्यारा है आपसे दूर जा चुका है उसको ताबे करने के लिए जो भी इस भाई की मुश्किल है जो भी इनका प्यारा है उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया है ठीक है उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया है जिसकी वजह से ये परेशान हमारे मदरसे में मदद के लिए आए हैं और हमारे सबसे पहले माशाल्लाह सब्सक्राइबर भी हैं और हमारा पहला कमेंट्स इन भाई के लिए था इन भाई के लिए जो सा है यह बताया जा रहा है सूर्य कुरैश कुरान पाक की बहुत प्यारी तीसरे पारे में ये सूर्य मुबारक है इसको आपने कितनी मरतबा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है अब तफसील समझते हैं जब भी तफसील समझाने लगें तो मैं हमेशा आपको नबी पाक अलैहि वसल्लम की अदीस मुबारक ज़रूर सुनाती हूँ आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो कोई भी जो कोई भी अपने घर में सोरे वाक़ पढ़ा करेगा तो उसके घर में कभी फाका नहीं होगा कभी उसका रिस्क कम नहीं होगा अब सूर्य मुबारक को पढ़ना किस वक्त है मगरिब के टाइम मगरिब की नमाज पढ़ें एक मरतबा सुर वाक़ रोज़ाना पढ़े और बावज़ु होकर पढ़ें खामोशी से पढ़ें शोर ना हो ऐसी जगह पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपके रिस्क में कभी रिस्क की कमी भी नहीं होगी कर्ज होगा उतर जाएगा और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपका रिस्क बहुत बुलंद होगा अमल आहदीस के बाद शुरू करते हैं सुर कुरैश 21 बार आप पढ़ेंगे याद रखें सुरय कुरैश 21 बार आपने पढ़नी है 21 बार ठीक है ये इसका काउंट है जुकात इसमें कुछ भी नहीं है सुबह फजर की नमाज के बाद ये आपने पढ़नी है सूर्य कुरेश अब पढ़नी सूर्य कुरेश किस पर है फूल पर फूल गुलाब का फूल ले लें एक ले लें दो ले लें जितने भी आपको पसंद हो अब ये सूर्य इक्कीस बार पढ़ें, फूल पर पढ़कर दम करना है दम करना है इक्कीस बार अव्वल आखिर द्रोशीफ एक बार जुकात इसकी कोई नहीं है नम जो वक्त है फजर का दिन तीन दिन इस अमल को करना है फूल पर तीन दिन दम करना है द्रोदेपाक पाक एक बार अव्वल आखिर है नमाज पाबंदी लाजिम है कोई फ़ायदा नहीं फिर अमल का अमल की तादाद इक्कीस बार ठीक है इक्कीस बार सूर्य कुरेश फूल पर पढ़कर दम करें दम अब कैसे करना है ग़ौर से ये लफ्स हैं सूर्य कुरेश इक्कीस बार पढ़ी अब अवला खदुरश के साथ फिर आपने लास्ट में आखिर में पढ़ना है या अलीफ सीन लाम गाइन दाल ये भी पढ़ना है आपने उसके बाद अपना नाम लेना है अपनी वालदा का नाम लेना है आला खुब बोलना है जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसका नाम लेना है उसका नाम लेकर उसकी वालदा का नाम पता है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं बस उसका नाम काफ़ी है पढ़कर फूलों पर दम कर दें तीन दिन इन फूलों पर दम करना है अगर आप सूर्य कुरेश का एक अमल का तरीका मैंने अभी आपको समझाया अब आप दूसरा समझ लें बहुत से ऐसे बहन भाई हैं ख़ात हैं जो सूर्य कुरेश पाक नहीं पढ़ पाते बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो इंडिया में भी होती हैं और बहुत सी ऐसी होती हैं जो नॉन मुस्लिम भी होती हैं वो उनको तरीका ये है कि सिर्फ़ ये नक्श ठीक है ये आपने लिखना है नक्श लिखना है इसको पानी में नक्श लिखना है इसको पानी में छोड़ दें तीन घंटे बाद इस नक्श को तीन घंटे तक ठीक है तीन घंटे के बाद ना आपने इस नक्श का जो पानी होगा ना ये फूलों पर छिड़काना भी है स्प्रे करने स्प्रे बॉटल में डालकर भी स्प्रे कर सकते हैं और फूलों में फूलों की जो टहनी होती हैं वो उस ग्लास में जिसमें भी आपने ये नक्श भी भिग उस बोतल में जिसमें आपने इस नक्श को डाला होगा फ़ोल्ड करके डालें खोल के लिख कर इसी तरह नाम ज़रूर लिखना है नाम नहीं भूलना नाम ज़रूर लिखना है अगर घर में प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा मसला हो आप नाम ना लिख सकते हो तो फिर जो आप फूल होंगे ना उनके ऊपर दम नाम लेकर दम कर दीजिएगा ये लफ्ज़ बोल तो सकते होंगे नहीं भी बोल सकते होंगे सिर्फ नाम बोल के नक्श बीच में रख के फूल की टहनी के तो आपने ये फूल जो है आपने उसमें तीन दिन रखना है तीन दिन कोशिश कीजिएगा गुलाब के फूल खिले हुए ना हों तीन दिन रखेंगे तो फूल और मज़ीद खिल जाएंगे तो आप कोशिश कीजिएगा गुलाब की जो छोटे मतलब कम मतलब खिले हुए गुलाब होते हैं ना वो लीजिएगा ठीक है उनसे आपको आसानी हो जाएगी अब आपने ये अमल कर लिया ये फूल जो उनसे आप तोहफे के तौर पर भी किसी को दे सकते हैं ये फूल आप सुखा कर भी ठीक है अपने पास रख सकते हैं फूलों को सुखा कर आप अपने पास रख लें धूप में सुखाएँ किसी भी मतलब कि हीटअप जगह पर रख कर सुखा लें सुखाने के बाद इनको बिल्कुल बारीक करके ना किसी भी खुशबू अतर में डालकर आप जुमे वाले दिन लगाएं जुमे वाले दिन ये खुशबू लगाएं यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी खुशबू फैलेगी आपका प्यारा लौट आएगा अगर ये जल्दी अमल करना है तो मुबारक तक ये अमल कंप्लीट करें एक नंबर बात याद रखें सूर्य कुरेश फूलों को तोहफ़े के तौर पर भी आप दे दें आपका अपना मर, आपका अपना है कि आपको जो आसानी लगे कि आप फूलों को किसी को तोहफ़े के तौर पर दे सकते हैं नहीं दे सकते अगर आप देना चाहें तो आप फूलों को दे भी सकते हैं तोहफे के तौर पर ताकि वो खुशबू जैसे ही आपकी महसूस करेगा आपका दीवाना हो जाएगा हस्बैंड वाइफ के लिए थोड़ा सा ये है कि वो इन खुशबुओं को इन फूलों को घर में भी रख सकते हैं खुशबू की खुद खुद ही महक दूर तक चली जाती है घर में भी रख सकते हैं अपने हस्बैंड को दे भी सकते हैं कमरे में भी रख सकते हैं अगर हस्बैंड वाइफ़ का ये मसला है कि वो मतलब कि जुम्मे वाले दिन इनकी खुशबू तैयार करें खुशबू आप लगाएं अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्यारा लौट आएगा सिर्फ तीन दिन ये अमल करके ज़रूर करके तो आप ये अमल से अपने प्यारे को पा सकते हैं इतनी मोहब्बत इतनी चाहत पैदा हो जाती है अल्लाह के कलाम से सुर मुबारक से मुबारक के नक्श वगैरह से कि आपकी सोच है हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फॉलो कर लें लाइक कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो जाए ताकि हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं लाइव मेहनत कर रहे हैं टाइम निकाल कर आपको पता है जामिया में इतना टाइम नहीं होता लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है आप लोगों की मदद कर ताकि आप गलत लोगों की तरफ ना जाएं गलत आमी लोगों के पास ना जाएँ अल्लाह से मदद मांगे अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक जल्दी आपकी सुनेंगे अगर आपका मसला हल नहीं होता आप रा कर सकते हैं ठीक है आप अपनी बहन से रबा कर सकते हैं अब आप, आप फेसबुक के इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं और इन जो यूट्यूब है उसके कमेंट्स बॉक्स में ई मेल पर कर सकते हैं नंबर अभी मोबाइल अलाउ नहीं किया गया जैसे ही नंबर की भी इजाज़त मिलेगी ना तो आपको इनशाला व्हाट्सअप नंबर आपके साथ जरूर शेयर कर दिया जाएगा ठीक है ये इनशाला आपकी बहन का वादा है इनशाला जैसे ही बड़ों से इजाज़त मिलती है तो फिर हम आपको लाइव कर देंगे नंबर भी तो आपने किसी किस्म की परेशानी है कोई दुख है तकलीफ़ है आप अपनी बहन से बयान करें मैं इन आपकी ज़रूर मदद करूँगी क्योंकि फातमा तो जहरा का मदरसा है यहाँ पर कोई भी आया खाली हाथ नहीं गया इस नाम के दर पर भी कोई आया था कभी खाली हाथ नहीं गया था तो इस दर पर आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाएगा इन शाह अमल होता है तो करें इन नहीं होता बहन को याद करें मैं ख़ुद आपके लिए मैं ख़ुद आपके लिए अमल करूँगी इन अमल करने से पहले इस तखारा भी ज़रूरी है ना कि इसतारे से आपके पर कोई बंदिश तो नहीं ठीक है कोई जादू तो नहीं ठीक है कोई सफलीलम जैसे आप बहुत से आमी लोगों के पास जाते हैं तो वहाँ पर जाने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि उन्होंने तरह तरह के तावीज़ ऐसे नक्श चीज़ें आपके ऊपर करके आप आपका मुकम्मल मसला ख़राब कर दिया होता है मुकम्मल टोटल मसला खराब कर दिया किसी भी आमिल के पास आप जाते हैं आपको तो नहीं पता है ना कि वो आपके लिए क्या कर रहा है इस तरह कोई समझा तो नहीं रहा आपको इस तरह ये तो नहीं कह रहा कि सूर्य कुरेश पढ़ें ये करें नहीं ना तो फिर जब आप किसी के पास जाते हैं ना तो आप जब आपकी वो मदद नहीं कर पा रहा होता तो वो क्या करता है गलत जो है नक्श मुबारक को छोड़ के तो कालेम की तरफ आ जाता है जादू की तरफ आ जाता है इससे क्या करता है आपकी बंदिश लगाता है सबसे पहले बंदिश लगा देता है सफरी इलम के जरिए इसका नुकसान आपको जो होगा वो होगा आपके प्यारे को जो होगा वो होगा सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ को होगा आपकी फैमिली को आपके माँ बाप को आपके बहन भाइयों को होगा जब हम नमाज पढ़ते हैं ना तो फरिश्तों का दर खोल देते हैं तो जब हम गलत किस्म के तावीज़ात अपने पास रखते हैं या लाते हैं या फ़ोटो कापी करवाते कुछ भी करवाते हैं तो उससे हम जो जैसे हम रूहानियत यानी फरिश्तों का दरवाज़ा खोलते हैं ना कुरान पाक पढ़ कर नमाज़ पढ़ कर इसी तरह हम जब तावीज़ात जो उनसे होते हैं तावीज़ गंडे करवाते हैं गलत इलम करवाते हैं सफरी इलम करवाते हैं जादू करवाते हैं तो क्या करते हैं हम शयातीन का दरवाज़ा खोल देते हैं ठीक है तो शयातीन के पास भी जाना उनसे मदद लेना या ऐसे आमिर लोग जो जादू सफरी इलम जो इंडिया का इलम करते हैं बंगाली इलम करते हैं इन सब से दूर रहें हम दीन है, 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 में हैं हम दीन में हम मुसलमान हैं हम इस्लाम में हैं हम इस्लाम से मदद लें अल्लाह से मदद लें मैं आपकी मदद नहीं मैं आपकी बिल्कुल मदद नहीं करूंगी मदद अल्लाह पाक करते हैं मैं सिर्फ समझा रही हूं मैं आपके लिए अमल करूंगी आपकी पढ़ाई करूंगी आपके लिए वजाइफ करूंगी आपके लिए अमल करूंगी बहन होने के नाते लेकिन बफजल हुक्म अल्लाह सिर्फ अल्लाह अल्लाह पाक के सिवा कोई दुनिया की कोई हस्ती नहीं है इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ अपनी बहन को इजाजत दें वीडियो पसंद आए लाइक भी करें शेयर का वादा है लाइक जो वीडियो को पसंद करेगा लाइक भी करेगा और शेयर भी करेगा फॉलो भी करेगा अगर यूट्यूब चैनल पर भी है तब भी लाइक भी करें शेयर भी करें सब्सक्राइब भी करें, करें ताकि लाइव जो वीडियो आपको समझाई जा रही है आपकी बहन जो आपको समझा रही है अमलियात के बारे में इलम के बारे में वो आपको मिलता रहे इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको आपकी मुश्किल अभी वीडियो देखने से पहले ही मैं कहती हूँ आपकी आसान हो जाए देखनी भी ना पड़े ये दुआ है आपकी बहन की इजाज़त दीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा जजाकल्ला खैर अस्सलाम वालेकुम प्यारे, प्यारे बहन भाइयों अगर, अगर आप इस या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे तो फेसबुक पर, पर, पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कर आ और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रबता करें अगर इस्तारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला